पैसों का साथ मौत तक, अपनों का साथ शमशान तक होता है, लेकिन किए गए अच्छे कर्म मरने के बाद भी साथ देते हैं। किसी ने माँ के कंधे पर सिर रखकर पूछा, माँ अपने कंधों पर कब तक सोने देगी? माँ ने सहलाते हुए कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधों पर ना उठा ले, मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता। अगर मेरी तकदीर लिखने का मौका मेरी माँ को मिलता, बाजार में सब मिल जाता है, लेकिन माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता। माँ जो भी बनाए उसे बिना नखरा किए खा लिया करो, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास या तो माँ नहीं है या फिर खाना नहीं है। पैसों का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक वो जिन्हें खानदानी जायदाद मिलती है, दूसरे वो जिन्होंने धोखे से कमाया हो। उड़ान बड़ी चीज है, रोज उड़ो पर शाम को नीचे आ जाया करो, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने वाले लोग और तुम्हें गले लगाने वाले लोग सब नीचे ही रहते हैं। जो अपनों के साथ सींग लड़ाने में रहते हैं वो दुश्मनों का शिकार हो जाते हैं। अपनों के साथ उलझकर दूसरों को मौका ना दो। कोशिश करो कि जिस चीज के लिए तुम तरसे हो, तुम्हारी वजह से उस चीज के लिए कोई दूसरा ना तरसे। फिर चाहे वो खुशियां हो, रिश्ते हो या फिर सुकून हो, हर रिश्ते की कदर कीजिए और खूब कीजिए, क्योंकि एक ना एक दिन सबने चले जाना है। पीछे तो सिर्फ यादें रह जाती हैं। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेने जानते हो, डरो तो उन लोगों से जो अपने बदले की बात ऊपर वाले से बोले और उस बात को ऊपर वाले के हाथों में ही छोड़ दे। कभी भी किसी की भावनाओं को इतनी तकलीफ ना पहुंचाओ कि कभी उसे अगर तुम्हारा ख्याल भी आए तो उसे कोई तकलीफ ना हो। इंसान के गुरूर की ताकत बस इतनी सी है, ना पहले बार नहा पाता है और ना ही आखिरी बार नहा पाता है। जो दोस्त तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले और तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें गलत करने से रोके, तो समझ लेना कि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। जो आसानी से मिल जाए वो छल है, और जो मुश्किल से मिले वो सम्मान है। जो हृदय से मिले वो प्रेम है, और जो भाग्य से मिले वो अपना मित्र है। दो इंसानों का पेट कभी नहीं भरता। पहला वो जिसे ज्ञान की भूख हो और दूसरा वो जिसे दौलत की भूख हो। लोगों से खुशी खुशी मिला करो और खुशी खुशी बात किया करो। ना जाने जिससे आप सख्त लहजे में बात कर रहे हैं वो किस दौर से गुजर रहा है। वह सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से भी नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास के साथ करो। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।